दोस्तों बिग बॉस के घर की बात करें तो बिग बॉस के घर के अंदर रिसेंटली आपको समर्थ जुरेल और साथ ही साथ बिग बॉस के घर के अंदर कई सारे लोगों की लड़ाई देखने को मिली थी। अब अभिषेक के डिफेंड करती हुई नजर आ रही है रिंकू धवन और ईशा को समझा रही है कि देख अभिषेक बिल्कुल भी गलत नहीं है, और यहाँ पर अभिषेक को रिंकू धवन डिफेंड करती हुई नजर आ रही है। दरअसल बीती शाम अभिषेक जो है बिग बॉस के घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, और इमोशनल होने के कारण उनकी तबीयत भी बिगड़ गई थी। रिंकू धवन का कहना है कि वो अभी तक तुझसे मूव ऑन नहीं हो पाया, हालांकि तूने मूव ऑन कर लिया है, इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समय अगर तू समर्थ के साथ बिता रही है तो हमारा अभिषेक के साथ बिताना ज़रूरी है। बहरहाल ईशा अपनी गलती का एहसास यहाँ पर करती है, क्योंकि ईशा ने पहले समर्थ को कहा था कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, डर के मारे उन्होंने ये बात कह दी थी, क्योंकि बिग बॉस के घर के अंदर उन्होंने 2-3 बार ये बात बोल दी थी कि उनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अब यहाँ पर जैसे ही समर्थ घर के अंदर आए तो वो सक्की पक्की रह गई और फिर कुछ भी नहीं बोल पाई। अब दोस्तों कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताएं कि आपका क्या कहना है इसको लेकर। अब जो कि ईशा ने साफ तौर पर अब हाँ कर दी है और पूरा टाइम वो समर्थ के साथ ही बिता रही है, तो आपको कौन सही और कौन गलत लग रहा है? क्या यहाँ ईशा सही है या फिर अभिषेक? कमेंट ज़रूर करें, और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें चैनल देखो देखो को।